हेलो फ्रेंड्स, हॉट एंड श्योर चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं बनाऊंगी भिंडी की मसाले वाली सब्जी, सूखी मसाले वाली सब्जी, जो बहुत यम्मी और टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स। और आप इस सब्जी को रोटी, चपाती, नान, पराठा किसी के साथ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, और इसको बनाना भी बहुत इजी है, और मैंने इसको काफ़ी इजी तरीके से बनाया हुआ भी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो के उसका पानी सुखा लिया है, और उसके बाद इस तरह से इसको बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट करके तैयार कर लिया है। तो मैंने उसके बाद गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे तेल। मैंने यहाँ पर एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाला हुआ है। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने जो भिंडी कट करके डाली हुई रखी हुई थी वो इसमें हम डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे, और हमारी भिंडी जो है अच्छे से पक जाए। और जब भिंडी पके तो इसमें अच्छे से नमक का फ्लेवर भी आ जाए, इसीलिए यहीं पर हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। और उसके बाद इसको कवर करके हम पकाएंगे। तो देखिए, मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको कवर करके पका लिया है। भिंडी हमारी पक तो गई है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है। देखिए, थोड़ा सा ना ऐसे तारस सी जो बन रही है हमारे भिंडी में, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा खुला पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, जिससे कि हमारी भिंडी का मॉइस्चर पूरी तरह से सूख जाएगा। तो ये हमारी भिंडी पूरी तरह से रेडी हो गई है, इसका मॉइस्चर सूख चुका है। तो इसको निकाल लेंगे, और सेम पैन में हम फिर से एक चम्मच तेल डालेंगे। और ये तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, इसी के साथ हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, लाल मिर्च साबुत मैंने डाला है, और 3-4 लौंग डाल दिया है। इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और थोड़ी सी मैंने 1 पिंच हींग ही डाल दी है यहाँ पे। और अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो ऐसे लंबे टुकड़ों में काट करके तैयार किया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को हम अच्छे से चला लेंगे, और प्याज को हम पहले हाफ कुक कर लेंगे, और उसके बाद से हम इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, उसके बाद इसको फुल कुक करेंगे। तो देखिए, हमारा प्याज हाफ कुक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। प्याज जब हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, मैंने इसको इसी तरह से कट कर लिया है। और हम इसको डाल देंगे, और नमक हमारा अच्छे से गल सके इसलिए मैंने थोड़ा सा टमाटर गल सके इसलिए मैंने नमक डाला है, हल्दी डाला है, और किचन किंग मसाला डाला है। नमक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। और लाल मिर्च का थोड़ा पाउडर डालेंगे, और इसी के साथ जब हमारे टमाटर अच्छे से पकेंगे तो उसी के साथ हमारा जो ये मसाला भी है पक जाए, इसलिए मैंने मसाले भी यहीं पर साथ में ही ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पकाएंगे। तीन से चार मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो देखिए, टमाटर ने अपना काफ़ी पानी रिलीज़ कर लिया है, जिससे कि टमाटर अपने ही पानी में जो है अच्छे से पक जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको मैश करते हुए चलाएंगे, और इसको थोड़ा सा हम 2 मिनट और इस मसाले को पका लेंगे कवर करके, और उसके बाद फिर हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। देखिए, 2 मिनट हो गया है और ये हमारा मसाला जो है अच्छे से पक चुका है। तो जो हमने भिंडी पहले से फ्राई करके रखी हुई थी, कुक करके रखी हुई थी, वो डालेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है कसूरी मेथी, इससे सब्जी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। डाल के हम उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब हम यहाँ पे डाल देंगे भिंडी जो हमने कट करके रखी हुई थी।
हमने पहले से कुक करके रखी हुई थी। इसको अच्छे से हम पका लेंगे क्योंकि हमारे मसाले भी हमारे अच्छे से पके हुए हैं, भिंडी भी पकी हुई है, तो हम लो फ्लेम करके इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। और देखिए 5 मिनट बाद देखते हैं कि हमारी ये सब्जी जो है अच्छे से पक चुकी है। बस हम यहाँ पर गैस बंद करेंगे और इस सब्जी को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद से सर्व करेंगे। और देखिए मैंने सब्जी सर्व कर ली है, बहुत टेस्टी सब्जी बनी है फ्रेंड्स। और अगर ये सब्जी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।